हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और आज मैं एक बार फिर आपके लिए लेके आया हूँ एनडीए से संबंधित जनरल एबिलिटी के पेपर का एक और पार्ट। और दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। नंबर वन, चमगादड़ स्तनधारी वर्ग से हैं। बी या सेकंड इसका, ये स्वभाव से रात्रिचर होते हैं। तीसरा, इनमें पंख होते हैं जो रूपांतरित होकर अग्रपाद यानी कि आगे के जो पैर होते हैं वो बनाते हैं। तो उपयुक्त में से कौन सा या से तथ्य सही हैं? तो इसमें से कौन से हैं? केवल एक, एक और दो, दो और तीन और एक दो तीन। तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों ही ऑप्शन आपके सही होंगे। चमगादड़ स्तनधारी वर्ग से आते हैं, ये रात्रिचर भी होते हैं और इनके जो पंख होते हैं ये रूपांतरित होकर आगे के पैरों की रचना करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान कौन था? ए, इब्राहिम लोदी का संबंधी था तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन का दावेदार था। बी, इब्राहिम लोदी का संबंधी था, इसे देश से निष्कासित कर दिया गया था। सी, दिलावर खान, जिसे इब्राहिम लोदी के हाथों क्रूर व्यवहार मिला, का पिता था। या डी, पंजाब प्रांत का एक उच्चाधिकारी था जो अपनी जाति के प्रति इब्राहिम लोदी के व्यवहार से अत्यधिक असंतुष्ट था। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन नंबर, इब्राहिम लोदी का संबंधी था तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन का प्रबल दावेदार था। और देखिए, आलम खान जो इब्राहिम लोदी का चाचा था, अपने दिल्ली राज सिंहासन का दावेदार था और अपने भतीजे सुल्तान के विरुद्ध आयोजित युद्ध में बाबर की सहायता पाने के लिए उसने आमंत्रित किया था। तो इस प्रकार आपका जो ए ऑप्शन है वो सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लवणता सर्वाधिक होती है? हिंद महासागर में, लाल सागर में, सी उत्तरी प्रशांत महासागर में या डी उत्तरी अंध महासागर में? तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, लाल सागर में लवणता का मान सबसे अधिक होता है, क्योंकि जो लाल सागर है वो अपेक्षाकृत शुष्क क्षेत्र में पाया जाता है और यह है लगभग चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ है और इसमें स्वच्छ जल की आपूर्ति नहीं है, इसलिए इसकी जो लवणता होती है वो सबसे ज़्यादा है, सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फोर, बोहर सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा की त्रिज्या 0.528 एंगस्ट्रॉम है। हाइड्रोजन परमाणु के चतुर्थ कक्ष यानी कि चौथी कक्षा की त्रिज्या का मान क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर, तो देखिए जैसा आप जानते हैं कि बोहर त्रिज्या के अनुसार आर एन प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, यहाँ पर एन जो कक्षकों की संख्या है, तो ये चौथी की त्रिज्या अपॉन पहली की त्रिज्या, एन फोर अपॉन एन वन यहाँ लगाया, फोर अपॉन वन लगाया। सॉल्व करेंगे तो आर फोर की वैल्यू 16 R1 के इक्वल टू होगी, आर वन की वैल्यू यहाँ पुट अप करके आंसर आएगा 8.45 एंगस्ट्रॉम। तो हमारा जो आंसर है वो सी ऑप्शन सही है, 8.45 एंगस्ट्रॉम इसका राइट ऑप्शन होगा, चौथे कक्ष की जो त्रिज्या होगी वो 8.45 एंगस्ट्रॉम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव, जब एक पिघली हुई धातु का ताप केल्विन तथा फेरेनहाइट तापमापी द्वारा नापा जाता है तो दोनों तापमापियों में बराबर ताप आता है, सेल्सियस तापमापी पर धातु के ताप का मान कितना होगा? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए, केल्विन और फेरेनहाइट में ये संबंध होता है K-273/5 = F-32/9। केल्विन की जगह पर एक्स रखिए, फेरेनहाइट की जगह पर एक्स रखिए, सॉल्व करिए तो सॉल्व करके इसका आंसर आएगा 574.25 केल्विन या फेरेनहाइट। तो हमारा जो ऑप्शन सही इसका होगा वो डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स, पालक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो कौन सा अम्ल इसमें से पालक में पाया जाता है?
तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी ऑक्जेलिक अम्ल। तो पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। देखिए लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, और जो सिट्रिक अम्ल है वो सिट्रिक फलों में पाया जाता है, और जो टार्ट्रिक अम्ल है ये अंगूर और कच्चे आमों में पाया जाता है। तो जो हमारा जो आपसे पूछा है कि पालक में कौन सा पाया जाता है, तो इसका जो बी ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन बुनसन बर्नर में ऑक्सीजन को मुक्त नहीं करता? तो इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो कि मतलब मुक्त नहीं करता? तो देखिए जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ये उच्च गलनांक रखता है, और यह बुनसन बर्नर में विघटित नहीं होता तथा इसके कारण ऑक्सीजन गैस नहीं निकलती है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन MgO सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। जर्मेनियम परमाणु क्रमांक 32 भार 76 के सम न्यूट्रॉनिक हैं, तो इसके सम न्यूट्रॉनिक कौन सा होगा? तो देखिए जर्मेनियम में और आर्सेनिक में जब आप देखेंगे न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो 76 माइनस 32 44, 77 माइनस 33 44। तो देखिए जर्मेनियम के जो सम न्यूट्रॉनिक है वो आर्सेनिक है। तो देखिए हमारे इस दिए गए क्वेश्चन में ये सेकंड ऑप्शन As 77 माइनस 33 और ये फोर्थ ऑप्शन 78 माइनस 34, जब इसको आप लेस करके निकालेंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या 44 आएगी, तो इसलिए आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अंतर्दर्शी में किया जाता है? तो देखिए अंतर्दर्शी में जो उस प्रयोग किया जाता है वो प्रकाशिक रेशों का प्रयोग किया जाता है, तथा इसकी सहायता से डॉक्टर एंडोस्कोपी करते हैं तथा इससे आमाशय जो पेट होता है उसको देखा जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। ग्रेफाइट में विभिन्न परतें किसके द्वारा जुड़ी रहती हैं? ए सहसंयोजक बंध द्वारा, बी आयनिक बंध द्वारा, सी हाइड्रोजन बंध द्वारा, या डी वॉंडरवॉल बंध के द्वारा जुड़ी होती हैं? तो देखिए जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका डी वॉन्डरबल बलों द्वारा ग्रेफाइट की विभिन्न परतें जुड़ी होती हैं। और देखिए वॉन्डरवॉल बलों में दो परतों के जो बीच की दूरी है वो लगभग 3.4 एंगस्ट्रॉम के इक्वल टू के लगभग होती है। यह अधिक दूरी होती है और यह दर्शाती है कि कार्बन की परत दुर्बल होती है। तो दुर्बल वॉन्डरवॉल बलों के द्वारा ग्रेफाइट की परतें जुड़ी होती हैं। तो इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन है इसका डी ऑप्शन इसका सही होगा। तो दोस्तों ये थे कुछ आपके एनडीए के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं लगातार आपके लिए क्वेश्चन लेके आता रहूँगा। थैंक यू।